हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल वर्सेस लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कशन करेंगे जो सेकंड ईयर्स के एग्ज़ाम्स के बारे में चल रहा है आजकल। तो इससे पहले तो जो न्यूज़ आ रही थी उसमें ये था कि सेकंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं होगा, वो ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे। तो उसके लिए जो कुलपति लोग की जो समिति बैठी थी उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई किसी तरीके से एग्ज़ाम करा लिया जाए, नहीं तो केवल एक साल का एग्ज़ाम करके और लोग ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा ठीक नहीं है कि केवल एक साल की एग्ज़ाम से ग्रेजुएशन की डिग्री मिले। तो कोई एक एग्ज़ाम करा लेना चाहिए जिससे उनके स्तर का भी पता चले और एक ये भी हो जाए कि कम से कम दो साल एग्ज़ाम दिए हैं जिससे उन्हें तीन साल की डिग्री मिली है। तो एक तरह से एक अच्छी चीज़ भी हो गई सेकेंड ईयर के हिसाब से भी, क्योंकि वो एक साल प्रमोटेड थे और इस साल भी होते तो केवल एक साल का एग्ज़ाम देना होता फाइनल ईयर में। तो ये आगे के लिए उनके लिए अच्छा है। आज भले थोड़ा सा अजीब लगे लेकिन फिर भी वो ठीक है, भविष्य के लिए वो कह पाएंगे कि नहीं कम से कम दो बार तो एग्ज़ाम हुआ था, तो इस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अभी जो ये रोज़ का न्यूज़ चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो एक एक हफ्ते बाद ये सिचुएशन आ रही है कि आधे सवाल आएंगे तो आधे क्वेश्चन आएंगे, तो एक घंटे का एग्ज़ाम होगा या डेढ़ घंटे होगा या दो घंटे होगा, ये भी अभी तक डिसाइड नहीं है। ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न वाला काम है। दूसरी चीज़, जो पैटर्न था ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम का वो डिस्क्रिप्टिव था, अब वो एकाएक MCQ हो गया और आज तक उसके बारे में कोई भी मॉडल नहीं मिला कि किस तरीके से पेपर आएंगे, किस तरीके का पेपर बनेगा। बस तीन पेपरों को मिला के एक पेपर बनेगा ऐसा कुछ न्यूज़ आया है। तो इस हिसाब से कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के पेपर बनेंगे, कितने क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। कोई भी एक मॉडल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कमी ही कहेंगे, इतने दिन में इतना भी नहीं डिसाइड हो पाया कि हम एक मॉडल तो कम से कम बच्चों को प्रोवाइड करा दें जिससे वो उस बेसिस पे तैयारी करें। बस एक फरमान जारी है कि आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे देना है इसका कुछ पता नहीं है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और अपने लिए क्या है कि हमें एनी हाउ किसी तरीके से तैयारी रखनी है, किस तरह का पेपर होगा कोई आइडिया नहीं है, अपने हिसाब से एग्ज़ाम देना है। तो जैसा कि अब तक हम लोग जानते रहते हैं कि किस तरह का पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन है और क्या इम्पॉर्टेंट है क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है, क्या हम पढ़ें क्या छोड़ें, और अगर तीन पेपर का मिला के एक पेपर बनेगा तो समझ सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी। ऊपर से कुछ न्यूज़ में ये आ रही है कि पहले से आधे सवाल पूछे जाएंगे, तो ये किस तरह से संभव है? पहले तो 10 सवाल पूछे जाते थे, तो क्या 5 सवाल पूछे जाएंगे तीन पेपर को मिला के? तो इस तरह का तो कुछ तुक ही नहीं बनता। आधे सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे कि जितने पहले आते थे उनसे अब आधे सवाल पूछे जाएंगे? आप सिलेबस की बात करो या कुछ और चीज़ें बात करो तो समझ में आए, आधे सवाल पूछे जाने का क्या मतलब है? 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ें बड़ा ही गड़बड़ है। अब किस तरीके से आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनकी स्थिति इस समय काफ़ी दिक्कत में है कि हम क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, जो चीज़ पढ़े वो कुछ आने वाला नहीं है, कुछ किस तरीके से आएगा। तो उसी बारे में थोड़ा सा हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ दिमाग का प्रेशर कम हो। तो तरीका यही है कि हम सोच सकते हैं कि हमें सेकंड ईयर के लिए एग्ज़ाम देना है, तो जो हमारा सिलेबस है एग्ज़ाम कुछ उसी के अराउंड होगा। और इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि आधे सवाल होंगे या कितने सवाल होंगे या क्या मेरा सिलेबस कैसा रिड्यूस होगा कितना होगा। बस फोकस ये रखिए कि जो डिस्क्रिप्टिव नज़रिया था उसको मल्टीपल की तरफ चेंज करना होगा। जो चीज़ें हमें पूरी तरह से डेरिवेशन में आती हैं उसको हमें शॉर्ट नोट्स करके बनाना होगा, एक एक दो दो लाइन का करके, जैसे हेडिंग, फिर उस हेडिंग के हिसाब से उसका रिज़ल्ट क्या होगा। मान लीजिए कि किसी कंडीशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सेकंड ईयर में आपके तीन पेपर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ऑप्टिक्स है और थर्ड आपका है एटॉमिक मॉलिक्यूलर और क्वांटम मैकेनिक्स है। तो उसमें हमें यह ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंडीशन में कैसी आती है, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या मल्टीपल ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से कितना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पता हो, डेरिवेशन तो आप पढ़े हैं पूरी तरह से। उसी तरीके से पोटेंशियल, फिर डाइपोल का एक्सप्रेशन क्या है, फिर डाइपोल के लिए फील्ड क्या है, उसी तरीके से उसका जो डिस्टेंस का रिलेशन है वो RQ के प्रोपोर्शनल है या R² के प्रोपोर्शनल है। मल्टीपल चॉइस में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइपोल होता है, डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो डिस्टेंस से किस हिसाब से किस हिसाब से प्रोपोर्शनल में होता है। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन ये मिल गया, दूसरा ऑप्शन को 1/r² मिला, तीसरा 1/r³ और चौथा मिल गया 1/r⁴। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है, जो e होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस रखता है, r पे भी रख लेता है, 1/r, 1/r² 1/r³, r⁴ या कभी कभी सिंपल r पे भी फील्ड डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो इस तरह का ऑप्शन बनेगा। डाइपोल है इस साल तो क्वाड्रूपोल भी होगा, सेकेंड ईयर में क्वाड्रूपोल भी है, क्वाड्रूपोल किस आर के प्रोपोर्शनल में होगा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पोटेंशियल वगैरह या गॉस का रिलेशन, गॉस का रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में या इलेक्ट्रोस्टैट्स में, एम्पियर्स लॉ, तो डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखिए कि दिस बाय दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो थ्योरम का पूरी तरह से स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या कहता है, वो क्लोज के लिए है, ओपन के लिए है, उसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है। तो मतलब कहने का ये है कि जो आप डिस्क्रिप्टिव में पढ़े हैं उसको आप एक दो महीना जो समय बचा है, एक डेढ़ महीने अभी भी 40-45 दिन होंगे लगभग, जब तक वो लोग अपना शेड्यूल बनाएंगे धीरे धीरे, तब तक इतना टाइम तो है कि आप उसको उठाएं सिलेबस को, और ज़्यादातर कोशिश करें कि जो रियल सेकंड ईयर का है उसको पढ़ने की कोशिश करें अच्छे से। जो बाकी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं जो इंटर से रिलेटेड है, ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बहुत सारा पार्ट आपका इंटर से रिलेटेड है तो उनको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कर लें तो अच्छी बात है। तो वही चीज़ें थोड़ी रिड्यूस हो सकती हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन घटाएंगे, तीनों पेपर का फुल सिलेबस लेके अगर वो पेपर बनाने लगे तब तो 100-150 क्वेश्चन करने में भी बनाने में भी दिक्कत होगी। तो बहुत कम क्वेश्चन अगर उन्हें देना है, 1-1.5 घंटे का ही अगर वो पेपर सोच रहे हैं, अब न जाने कि उतने कम टाइम वो सोच रहे हैं जब एग्ज़ाम देना ही है, तो भाई करा लो ढंग से, उसमें क्या दिक्कत था। लेकिन 1-1.5 घंटे, अरे जो एग्ज़ाम में पहुंच गया, एग्ज़ाम दे ही रहा है तो 1-1.5 घंटे हो चाहे 2.5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनका यह है कि 1-1.5 घंटे तो कितने नंबर आप क्वेश्चन देंगे, ये सोचने वाली बात है। और तीनों को मिला के कितना क्वेश्चन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से बनाएंगे, कितना ऑप्टिक्स से बनाएंगे या कितना वो क्वांटम मैकेनिक्स वाले पेपर से बनाएंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि वो किस तरीके से बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी कैसे बनाएंगे। फिलहाल आप लोग यही करिए कि उसको वन लाइनर टाइप बनाइए या छोटे छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए ज़्यादातर फॉर्मूलों का, तो डेरिवेशन को छोड़ के उनका मेन रिजल्ट याद रखिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय के लिए। फिलहाल हर फॉर्मूले में ऐसा कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे आगे मैक्सवेल्स का 4 इक्वेशंस होते हैं, अब उनका कोई भी इक्वेशन पूछ सकता है, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड है, कौन सा थर्ड है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी वगैरह पे भी रिलेशन आता है, कौन सा सही है, एक रिलेशन पूछता है। तो बहुविकल्पी टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ध्यान रखना होगा। ऑप्टिक्स में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की जो पोलराइजेशन शो करती है, ऐसी चीज़ें हैं। या फिर हाइगेंस का लॉ, ग्रेटिंग और न्यूटन्स रिंग से भी रेडियस वगैरह फाइंड करने को न्यूमेरिकली भी थोड़ा देख सकते हैं, जो फार्मूला बेस्ड है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। पता चला बहुत बड़े भूसागर से एक थोड़ा छोटा सा पेपर हमें 10-5 क्वेश्चन दे के हमें जज किया जाना है कि हम सेकंड ईयर में कितने सक्षम हैं। तो ये कहाँ तक सही है वो तो बाद में समझ में आएगा कि हम 10 क्वेश्चन से सिर्फ जज करें कि अगला सेकंड ईयर में कितना सक्षम है या नहीं है, ये तो सोचने वाली बात है। तो उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ सकते हो हाइजेनबर्ग का रिलेशन, वहाँ से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जो पहली यूनिट है उसका। उसके बाद श्रोडिंगर में जाएंगे तो नॉर्मलिटी की कंडीशन क्या है, ऑर्थोगोनलिटी, वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल, अर्थो नॉर्मल, और उसके साथ साथ जो भी आइगन वैल्यू फंक्शन था, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना उसका, या नॉर्मलाइज वेव फंक्शन निकालना, और या फिर उसका डायरेक्ट रिजल्ट, ये सारी चीज़ें माइंड में रखना पड़ेगा। एटॉमिक की बात करें तो हाइड्रोजन मॉडल जो पुराना था लेकिन इस साल भी सिलेबस में था, वो उसको देख सकते हैं। पूछता है कौन सी सीरीज जो है किस रीजन में मिलती है, जैसे लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड है, तो हम सारा मिक्स करके ही बात कर रहे हैं क्योंकि पेपर आपका मिक्स होने वाला है, तो हम तीनों को एक मान के चल रहे हैं। तो एटॉमिक में सीरीज है बहुत सारी, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ 4-5 सीरीज है, 5-6 है, लेकिन हम 5 ही अभी कंसिडर करेंगे। तो कौन सी सीरीज़ कहाँ पे किस रीजन में मिलती है, ये एक सवाल बनता है।
मल्टीपल चॉइस के लिए। हाइजेनबर्ग में न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, आपका बोर मॉडल से बन सकता है। तो ये सारे ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी दोनों में जो रिलेशन है उनका आपस में, तो वन लाइनर आप बनाएंगे तो चैप्टर को उठाइए और जो भी सिलेबस है क्रम से एक अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और सारी चीज़ें आसान बन सकती हैं इस तरह से। अदरवाइज़ तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़बरदस्त है, कैसे वो पेपर बनाएंगे उनके लिए भी चैलेंज है और आप कैसे एग्ज़ाम दोगे ये भी एक चैलेंज है। और शायद आपसे बड़ा चैलेंज उनके लिए है कि वो तीन पेपर को एक पेपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे और वो पेपर किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इस चैलेंजेस को लोग कैसे करते हैं, आपके लिए भी बड़ा है। बस हमारे कहने का मतलब यही है कि जो आप डिस्क्रिप्टिव काम किए हो उसको आप छोटे में बनाओ, आपको फिर से एक नोट्स बनाना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स की तरह, उसमें समरी हो, कंक्लूज़न हो, एक हेडिंग हो और करीब तीन चार लाइन में उसकी समरी हो। जैसे किसी थ्योरी के बारे में समरी आप जितने छोटे में बता सकते हो उसको उतने छोटे में लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं क्या है, रिज़ल्ट याद रख सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं रिलेटेड, ज़्यादा टफ नहीं होगा, वो नॉर्मल से ही जो फार्मूला बेस्ड हो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपना कर थोड़ा सा अपना प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, अदरवाइज समस्या बहुत गंभीर है कि वो किस तरीके से एग्ज़ाम कराएंगे। ये बहुत ही क्या बोला जाए उसके लिए, जहाँ इतने लंबे लंबे केस आ रहे थे, लाखों केस आ रहे थे उस टाइम, चुनाव आयोग ने सब कुछ इंतज़ाम कर लिया और अपने हिसाब से सारा कुछ करा भी लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। और इस समय जहाँ हालात फिर भी लगभग नॉर्मल हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उसके बावजूद हमारे आयोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से एग्ज़ाम हम करा लें और बच्चों को आगे बढ़ाएँ, उनका प्रेशर भी कम हो जाए। और ये रोज़ रोज़ का टाल मटोल से तो प्रेशर ही क्रिएट हो रहा है और कोई फ़ायदा होना नहीं है। बेचारे साल भर पढ़ने के बावजूद अभी इस स्थिति में हैं कि कैसे एग्ज़ाम दें, उन्हें यही नहीं पता, उनका सिलेबस नहीं पता, मॉडल नहीं पता, एग्ज़ाम में क्या आने वाला है ये नहीं पता, और ये सोच के एग्ज़ाम देने जाएंगे वो। अब या तो फिर हो सकता है कुछ मॉडल अभी आए, फ़िलहाल के लिए तो कुछ नहीं है, तो अभी तो हवा में ही तैरना है, तो ध्यान से तैरो कि क्रॉस करो, अदरवाइज़ ये काफ़ी मुश्किल बड़ा टाइम है। विकल्प का प्रोसीजर ऐसा है कि या तो वन या तो ज़ीरो, या तो आपको फुल मार्क्स या तो ज़ीरो मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तो ऐसा कुछ स्टेप मार्किंग जैसा भी नहीं है कि आप आधा अधूरा कुछ लिख के आएंगे तो भी कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है इधर की। तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा सा नोट्स बनाएं जो आप, और एक अच्छा सा नोट्स बनाएं कि उसको आप भविष्य के लिए भी रख पाएँ, क्योंकि आपका सेकेंड ईयर का कोर्स बहुत अच्छा है। अगर आप BSc के बाद कहीं आगे पढ़ना चाहेंगे थर्ड आपका MSc वगैरह में, तो BSc का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा है, सेकेंड ईयर खास तौर से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगले साल के बाद इंट्रेंस के लिए, फाइनल ईयर के बाद। तो आपका ये नोट्स आगे भी काम आने वाला है जब आप इंट्रेंस देने जाएंगे, तो उस हिसाब से सोच के बना सकते हैं तीनों पेपर के लिए। ऑप्टिक्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्वांटम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हर टॉपिक को आप टच करिए, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए और थोड़ा सा उसको, जैसे जनरल नॉलेज कभी कभी पढ़ते हैं थोड़ा रटने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, समझे तो आप हैं ही थ्योरी की वजह से, थ्योरेटिकल पढ़े ही हैं, उसी को सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है मल्टीपल के लिए। तो फिलहाल देखिए आगे से आने वाले समय में क्या होता है, दोनों के लिए चैलेंजेस हैं, जो पेपर बनाएंगे उनके लिए भी काम आसान नहीं है, इतने बड़े सिलेबस को मर्ज करना सिंगल पेपर में, वो भी न जाने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, ये भी अभी डाउट में है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।